रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो। अच्छा ब्रो, पाइप एंड प्लेट में क्या अंतर है? सुनो, क्या देखते हैं? नहीं, इससे पहले थोड़ा सा कल का देख लेते। जैसे आपके पास कुछ फ्लो है, टाइप्स ऑफ फ्लो, जैसे एक है लेमिनार, एक है टर्बुलेंट फ्लो, दूसरा है ट्रांजिएंट फ्लो। अब इन फ्लो में फॉर पाइप, एक है मेरा पाइप, फॉर पाइप, दूसरा है फॉर प्लेट, प्लेट, इनके लिए फ्लो क्या है? अगर पाइप है या प्लेट है, पाइप प्लेट बेहतर भी समझ लेंगे, या समझ लो पहले। तो पाइप और प्लेट अभी अंतर समझेंगे, फ्लो समझो पहले। फॉर प्लेट, पाइप के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर लेमिनार है तो आर ई, अगर ये लेमिनार है तो आर ई लेस देन 2000। अब अगर ये टर्बुलेंट है तो आर ई ग्रेटर देन 4000। अगर ये ट्रांजिएंट है पाइप के लिए तो आर ई की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच होगी, लेकिन मैं प्लेट की बात करूं तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आर ई 10 की पावर 5 है। अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूं तो आर ई ग्रेटर देन 5 × 10 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ट्रांजिएंट की बात करूं तो क्या है? नेग लेक्टेड, बीच में नहीं हो सकता। सुनो, ये पाइप है, अगर आपकी गोल पाइप है तो आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 2000, टर्बुलेंट और मेरा ग्रेटर देन 4000, ट्रांजेंट में बीच में फंसा हुआ, प्लेट आर ई की वैल्यू 5 × 10 की पावर 5 है लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट के 5 × 10 की पावर 5 ग्रेटर देन है, एंड नेग्लेक्टेड ट्रांजेंट है, उसमें ट्रांजेंट नहीं होता। अब सुनो पाइप है क्या? क्या देखो, पाइप वो पाइप एंड प्लेट। यार अच्छा नहीं चल रहा मार्कर, चलो इंक भरेंगे इसमें। पाइप एंड प्लेट, सुनो, आपने पाइप देखा होगा, आपने पाइप तो देखा ही होगा, लेकिन आपने प्लेट नहीं, जैसे ये प्लेट है, प्लेट ऐसी होती है एकदम खुल्लम खुल्ला कहीं भी, लेकिन ये नहीं होती है। तो सुनो, इसमें जब फ्लो फ्लो करेगा तो कहीं भी जा रहा है, वाष्पोड़ भी रहा है, इधर उधर हिल भी रहा है, पाइप में एक डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं। देखो हाँ, इसमें को इसमें डायरेक्शन है, इसमें कोई टाइम भी नहीं, शायद फ्लो यहाँ से आएगा कहीं और भी चला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, टाइम पर डिपेंडेंट है, एंड क्या कहते हैं उसको, सीधा जाएगा, इधर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि भाई पाइप है। समझ में आया कि पाइप क्या है? पाइप ये है और प्लेट ये है। यार खत्म है, पाइप ये है, प्लेट ये है। अगर देखा जाए और आगे बढ़ेंगे अभी हम, क्या बात कर लेंगे। हाँ अब आगे देखो, तो हाइगेन, एक भाई साहब थे हाइगेन पोजिला, पो जिल्ली फिलो इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन बना दी, हाइगेन पोइजिला इक्वेशन। इसमें क्या दिया इन्होंने, बात करा लेमिनार फ्लो ऑफ पाइप। इन्होंने पाइप के बारे में जब बात करी और कहा कि फ्लो अगर लेमिनार है तो पाइप के बारे में कुछ बात कर लो, तो इन्होंने दिया अजम्पशंस। क्या दिए इन्होंने? स्टडी। इन्होंने अजम्पशंस क्या दिए? कहा स्टडी फ्लो है, कहा स्टडी फ्लो है, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, दूसरा वेलोसिटी प्रोफाइल इज कांस्टेंट विथ
रेस्पेक्ट टू लेंथ भैया, इन द फुल्ली डेवलपमेंट, क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी पाइप में कांस्टेंट टाइम लेंथ के हिसाब से, भाई यहाँ पे लेंथ तो कुछ भी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपका स्टेडी फ्लो है, फुल्ली डेवलप्ड है मतलब पूरा बना हुआ है, डेवलपमेंट हो गया, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कहीं भी पानी बहेगा, ये कह रहा था। तो ये तो आज हमने लेमिनार देखा है, हाइजन पोजिला इक्वेशन देखिए, हाइजन पोजिला इक्वेशन में आपके साइंटिस्ट साहब ये बताना चाहते हैं कि पाइप एंड प्लेट में क्या डिफरेंस है, पाइप क्या होता है, प्लेट क्या होता है। आपने अगर आज देखा है तो सीना चौड़ा करो कि आज हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आज अपना देखा है, इंक भी नहीं बची है, कल इंक डालते हैं, फिर पढ़ते हैं, मिलो अगली क्लास में, कल आते हैं, ठीक है, ओके, बाय।